नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द सिनेबफ। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म भेड़िया का, जो कि है 2022 में बॉलीवुड की आखिरी होप। देखते हैं इट्स अ मिस और इज इट अ तो। देखो यार, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दें, जिसपे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि उसका बजट कितना है, उसने इतने सारे कलेक्शन किए, उसके बावजूद भी ब्रह्मास्त्र को अगर छोड़ दें तो 2022 में बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दिया हो। ना कि कश्मीर फाइल्स जैसी सीरियस फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल दिखाया, और हाल ही में रिलीज हुई दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल दिखा रही है। लेकिन 2022 में बॉलीवुड ने कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जिससे हमारा माथा खराब हो जाए और हमको लगे हाँ भाई, हमने कुछ बहुत फिनोमिनल देख लिया है। तो भेड़िया फिल्म, जो कि दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों का एक पार्ट है, इस हिसाब से भी 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्मों में से हो जाती है। तो यार, फिल्म रिलीज हो चुकी है, फिल्म को तुम्हारे भाई ने देख भी लिया है और फिल्म पे सारे नोट्स तैयार हैं, बस फिल्म को रिव्यू करना बाकी है, जिससे मैं आप सभी को बता सकूं कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं फिल्म के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स को बताऊंगा, जिससे आप लोग खुद ये डिसाइड कर सकें कि आपको ये फिल्म सिनेमा हॉल में जाके देखनी है कि नहीं देखनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में। पर क्या करूं, मेरा दांत का पापी पेट बोले मर रहे हो। देखो यार, अगर बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म में वरुण धवन के कैरेक्टर का नाम भास्कर शर्मा है, जो कि एक सेल्फिश कॉन्ट्रैक्टर है, और समहाउ उसको एक बहुत बड़ा रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। और अरुणाचल प्रदेश में उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे जंगल में उसको एक भेड़िया काट लेता है, जिसके काटने से उसमें भेड़िए जैसी शक्ति आ जाती है और वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो भेड़िए ने उसको क्यों काटा है, जिस भेड़िए ने उसको काटा है वो कौन है, और अब आगे क्या होगा, इसी के अराउंड इसका प्लॉट है। तो फिल्म की स्टोरी इसी प्लॉट के अराउंड इवॉल्व करती है। हम फिल्म को एनालिसिस करने के सीक्वेंस में फिल्म के अच्छे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। उनका पहला जो अच्छा एस्पेक्ट है वो है परफॉर्मेंसेस। फिल्म में वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बनर्जी, दीपक डोबरियाल, सौरभ शुक्ला जैसे दिग्गज कलाकार भी कुछ मिनटों के लिए ही सही हमें फिल्म में दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम मुख्यतः वरुण धवन और अभिषेक बनर्जी की बात करें, तो जैसे एक बड़े क्रिकेट मैच में एक सधा हुआ बल्लेबाज अपनी इनिंग को चलाता है, अभिषेक बनर्जी अपने कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी के कारण इस फिल्म के कॉमेडी एलिमेंट को कैरी करते हैं। यदि हम उस नेपोटिज्म वाले पूरे नरेटिव को छोड़ दें, तो हम सभी को ये बात मालूम है कि वरुण धवन कितने सधे हुए कलाकार हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग का पोटेंशियल हम बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। और विशेषता इस फिल्म की बात करें, तो इस फिल्म में वरुण धवन ना केवल मेंटली बल्कि फिजिकली भी वेयरवुल्फ के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके किरदार में निखर कर सामने आता है। इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस को पिक आउट करना हो तो मैं अभिषेक बनर्जी और वरुण धवन को सबसे आगे वाली श्रेणी में रखूंगा। अगले अच्छे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो है VFX एंड सिनेमेटोग्राफी। फिल्म का बजट अराउंड 60 करोड़ है और फिल्म में कैमरे का काम जिष्णु भट्टाचार्य जी ने किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वाकई में बहुत अच्छी है और इसको पिकआउट करना भी जरूरी है, क्योंकि फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वो लुभावने दृश्य दिखाए गए हैं, जिसको आप सिनेमा हॉल्स में स्पेशली एक्सपीरियंस करने जाते हैं, और कुछ कुछ सेट पीसेस तो दिल जीत लेने वाले हैं। तो कैमरे का काम इस फिल्म में बहुत अच्छा हुआ है। और फिल्म में अगर VFX की बात करें, तो फिल्म का बजट अराउंड 60 करोड़ है कि हम अगर इस तरीके की VFX फिल्म के बारे में बात करेंगे तो उसका बजट कम लगता है, लेकिन हमने 12 करोड़ की हनुमान का टीजर देखा है, मुझे लगता है उस हिसाब से इस फिल्म में VFX बहुत अच्छे थे। चाहे वो वरुण धवन का ह्यूमन टू भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन हो, ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स में डिटेलिंग इतनी अच्छी थी कि हमको एकदम ओरिजिनल वाला ही मजा आता है, और तनिक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि इसमें VFX कार्टूनिश है। हमको थोड़े समय के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होता कि फिल्म की क्वालिटी के साथ VFX को सैचुरेट नहीं किया गया है। अगर इस बजट में मैं VFX की बात करूं, तो फिल्म के VFX टॉप नॉच हैं। मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस फिल्म के VFX मेरे लिए तो काम करते हैं। अगले अच्छे एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो फिल्म का म्यूजिक। फिल्म में म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया है, और मैं बता दूं, फिल्म का टीजर जब से रिलीज हुआ था, मुझे पर्सनली इस फिल्म का BGM बहुत अच्छा लग रहा था, और इस फिल्म को जब मैं देख के आ रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी फिल्म का टोन चल रहा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, और फिल्म में एक जगह फिल्म के गाने को कॉमिक रिलीफ के लिए भी पोजेस किया गया है, जो कि काम करता है। भेड़िया की सीन के साथ जब फिल्म में फिल्म का वो टोन बजता है, तो अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से फिल्म में म्यूजिक का काम बहुत बढ़िया हुआ है। अब बात करेंगे फिल्म के बैड एस्पेक्ट के बारे में, तो जो मेरा
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फिल्म में एक प्रोमिनेंट विलन का ना होना न कि सिर्फ फिल्म के क्लाइमैक्स के इम्पैक्ट को खराब करता है बल्कि फिल्म की क्वालिटी को भी सपोर्ट नहीं करता। देखो भेड़िया फिल्म जो है वो 156 मिनट की है जिसमें 140 मिनट आपको बहुत ज्यादा मजा आती है लेकिन लास्ट के 16 मिनट में फिल्म को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपने ग्रिप को छोड़ देती है और हमको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा। मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। क्या लगता है अगर दिनेश विजन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोमिनेंट विलेन को या कोई अल्टीमेट गोल को इंट्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसा ना होने से फिल्मों का एक यूनिवर्स में सेट होने का कोई मतलब नहीं है। और हम ऑलरेडी स्त्री और रूही फिल्म देख चुके हैं और हमने फाइनली भेड़िया देख ली है लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि इस सिनेमेटिक यूनिवर्स का अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे कि हम मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआती फिल्में देखें तो हमको वहां से ग्लिम्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है, ये एक किसी बड़े चीज की तैयारी के लिए किया जा रहा है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स या कहें इस फिल्म के अंतिम 15 मिनट फिल्म की क्वालिटी को एकदम जस्टिफाई नहीं करते हैं क्योंकि फिल्म जेन्युइनली बहुत अच्छी है और बहुत इंटरटेनिंग है। शायद मुझे भी दुख सिर्फ इस बात का ज्यादा है कि मेरे एक्सपेक्टेशन इस फिल्म के साथ ज्यादा हाई थे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाएंगे तो आपको फिल्म जेन्युइनली बहुत अच्छी लगेगी और आपको भरपूर मजा देगी। शायद एक प्रोमिनेंट विलेन का होना इस फिल्म के क्लाइमैक्स के इम्पैक्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। बात रही कि आपको इस फिल्म को थिएटर में देखने जाना चाहिए कि नहीं देखने जाना चाहिए, मेरा जो मानना है कि यदि आपके पास टाइम है और आप थिएटर में अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। देखो यार फिल्म खराब नहीं है, मैं अभी फिल्म देख के आ रहा हूं और मुझे एकदम से नहीं लग रहा है कि मैंने कोई खराब फिल्म देखी है। मैंने आपको फिल्म के अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप किन किन कंडीशंस में इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। तो मुझे लगता है यार मेरा काम हो गया और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो कि फिल्म देखने जाना चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम।